A very good morning to all of you. Today we'll discuss chapter Lifelines of Economy. So इसमें हम बात करेंगे बेसिकली कि जो हमारी इकोनॉमिकली जो व्यवस्था कह सकते हो आप या अरेंजमेंट कह सकते हो आप, उसके लिए क्या क्या टूल्स नेसेसरी हैं, क्या क्या टूल्स इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट हेयर फ्रॉम हेयर. India has one of the largest telecom networks in Asia. ये चैप्टर वैसे मैंने शुरू कर दिया था, ये अभी कंटिन्यूएशन में है. So India has one of the largest telecom networks in Asia, excluding urban places. More than 2/3 of the villages in India have already been covered with STD, subscriber trunk dialing, telephone facility. अभी क्या है कि हम अगर दोनों जगहों की बात करें, लाइक हम एक शहर की बात करें और हम अगर गांव की बात करें, दोनों में डिफरेंस है ज़मीन आसमान का. गांव में क्या है कि आपको इंटरनेट या टेलीकॉम की फैसिलिटी हार्डली अवेलेबल है, वेयर एज शहरों में क्या होता है, शहरों में चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है ना. टाउन्स में, सिटीज़ में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो होता है. लाइक आपके पास जो है शहरों में हर चीज़ की सुविधा है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का है. गाँव में क्या है, नेटवर्क नहीं आते, टावर प्रॉपर नहीं है, ठीक है. ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती है. हालांकि अभी जो है लाइक हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें इन्हांस करी हैं, चाहे वो बिजली लगाने से इलेक्ट्रिसिटी लगाने की बात हो, ठीक है, चाहे वो कोई और चीज़ हो, मतलब काफ़ी चीज़ों में जो है अच्छा इम्प्लीमेंट किया है इन लोगों ने, सर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने, ठीक है. तो अभी होता क्या है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म नीड ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया. इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन. Okay, it includes basically radio, television. Apart from that, magazines, newspapers. ठीक है, अभी इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रेडियो है जो आकाशवाणी है, ठीक है ना. सो ऑल इंडिया रेडियो के जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो क्या करती है, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, ठीक है ना. आकाशवाणी क्या है, इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्ट ही तो है, और क्या है, राइट. सो दिस इज द नेशनल टेलीविजन चैनल्स ऑफ इंडिया, इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एक्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए जो है डिफरेंट क्राइटेरिया सेटअप होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. आफ्टर दैट इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली. इंडिया जो है खुद ही बहुत पेपर, न्यूज़पेपर्स हो चाहे जर्नल्स हो, ये बहुत पब्लिश हमारी खुद की कंट्री में, कंट्री से कितनी पब्लिकेशंस जाती है. सो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are, look, हमारे जो अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशन वाइज अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है, रेशियो है पेपर्स का, वो हिंदी लैंग्वेज में ही है. लाइक हिंदी में ही सबसे ज़्यादा जो है पेपर्स पब्लिश होते हैं. इंग्लिश और उर्दू जो है वो सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज बीन गिवन टू दी हिंदी लैंग्वेज. ओके, सो लाइक वाइज इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड. ट्रेड क्या होता है, हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, ये चीज़ें क्या है, ट्रेड ही तो है. यही चीज़ जो है इसे हम ट्रेड बोलते हैं. आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, आप मैटर एक्सचेंज कर रहे हो, यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग वन थिंग. लाइक If I talk about within country, within state, इनके अलग अलग levels होते हैं. Like आप within country exchange कर रहे हो. So वो क्या हुआ, India के अंदर ही जो है exchange हो रहा है. आप
स्टेट स्टेट वाइज कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में उस चीज की जो है ट्रेड का, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो स्टेट वाइज हो गया, पर्सन वाइज भी होता ही, तो ये डिपेंड करता है, ट्रेड जो है ये डिपेंड करता है। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अभी ये जो ट्रेड है ये बेसिकली होता कहाँ पे है, मार्केट में ही तो होता है, ठीक है। सो व्हाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट की बात हो चाहे इम्पोर्ट की बात हो, ये दोनों ही जो है ट्रेड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। आपको ट्रेड ट्रेड है क्या, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही है, कंट्री विद इन कंट्री है चाहे विद इन स्टेट है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही, ठीक है ना। रिसोर्सेज हमारे पास में है, बाउंडेड है, इतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज अभी की बात करें तो अवेलेबल नहीं है। कोई भी कंट्री विदाउट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। इंटरनेशनल ट्रेड होना बहुत जरूरी है। एंड किसी भी कंट्री का जो ट्रेड है उसका बैलेंसिंग रेट जो है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। उसके एक्सपोर्ट में उसके इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्ट्रेरी बेसिस पे बात करें तो जब भी इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है एक्सपोर्ट की वैल्यू से, अगर इम्पोर्ट की वैल्यू ज्यादा है देन दी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, तो वो होता है आपका फेवरेबल बैलेंस। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू, जब भी आपका जो है एक्सपोर्ट का वैल्यू एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा इम्पोर्ट के वैल्यू से, तो वो क्या, वो फेवरेबल बैलेंस ही होगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन टूरिज्म की अगर हम बात करें, ट्रेड एज अ ट्रेड हम टूरिज्म को भी देखते ही हैं, क्यों नहीं देखते। टूरिज्म इंडिया में अगर हम बात करें, मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म के जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आप लगा लो, खुद ही आप लगा सकते हैं, 15 मिलियन पीपल से अराउंड या इनसे ज्यादा जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं टूरिज्म में एज अ ट्रेड। अभी टूरिज्म क्या क्या चीजों को प्रमोट करता है, इन्हांस करता है नेशनल इंटीग्रिटी को। सबसे पहली चीज ये नेशनल इंटीग्रिटी को इन्हांस करेगा, ये आपको सपोर्ट देगा लोकल हिंडी। देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर इसको हम समझें, टूरिज्म होगा अगर तो वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स बोल लो या लोकल क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं उनका भी तो वर्क होता है, उनका बिजनेस भी तो अच्छे से फिर ग्रो अप होता है उनका, लोग टूरिस्ट जाते हैं तो विजिट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ सामान नहीं लेते, लेते हैं तो उससे फायदा किसको है, स्टेट को तो चलो वो तो एक सेकेंडरी लेवल पे बात होगी, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो क्राफ्ट्समैन को कितना फायदा है उस चीज का, जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम, ये इन कल्चरल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इसकी एडवांटेज होती है। ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की भी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, हमारे कल्चर को समझने में, हमारे हेरिटेज को समझने में, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसमें जो है इम्पोर्टेंस है। अभी अगर फॉरेन टूरिस्ट का बात करें, फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं दे विजिट आर कंट्री, दे विजिट इंडिया, वाई, फॉर हेरिटेज टूरिज्म, देन फॉर इको टूरिज्म। यू नो इंडिया जो है वर्ल्ड की, मैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर देखूँ तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया 4th बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन बोल सकते हो आप, या इंडिया पूरे वर्ल्ड की उसमें इट हैज बीन रैंक्ड एज इन द 4th प्लेस। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स। बहुत ही ज़्यादा वास्ट पोटेंशियल है टूरिज्म की डेवलपमेंट में, चाहे वो किसी भी कंट्री को लेकर के हम किसी भी कंट्री की बात करें, ठीक है। और एफर्ट्स हम इसी तरीके से लगाते हैं कि तरह तरह के टूरिज्म को, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के टूरिज्म को हम सपोर्ट करें, चैनलाइज करें। ओके, so I hope this much is clear to you. We'll discuss it again on the next lecture. Thank you, class.